वेलकम बैक टू द वीडियो। इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, हमें ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज ट्राई अगेन लेटर एंड वेरी ऑफन करके मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा है। एंड ये दिक्कत क्यों आ रही है, कैसे इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना है। एंड उसके लिए लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। यहां से आगे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको उस तरह का कुछ दिख रहा होगा, ये रहा, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, वी लिमिट हाउ ऑफन यू कैन डू सर्टेन थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम टू प्रोटेक्ट आवर कम्युनिटी, टेल अस इफ यू थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। ओके, अगर ये आ रहा है, इसका पहले हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। भाई बहुत सिंपल कह रहा है कि हमने कुछ ऐसी सर्टेन एक्टिविटीज को ऑफ कर दिया है जिससे हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, जो कम्युनिटी है वो प्रोटेक्टेड रहे। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है या फिर आपने ये मिस्टेक नहीं की है तो हमें बता दो, ये टेल अस पे आप टैप कर देना। बट यहाँ से सारी चीज़ें नहीं होती। अगर मैं आपको इंस्टाग्राम पे लेके जाऊँ, अभी प्रॉब्लम आती कैसे वो बता देता हूँ। देखो इंस्टाग्राम पे जाते हैं, अब हम या तो देखो हमारा अकाउंट हैक हो गया है, हमारा अकाउंट कहीं ना कहीं लॉगिन है एंड हमने फालतू के फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में अपने अकाउंट को कहीं ना कहीं हैक करा दिया है। तो भाई ये स्पैम्स होंगे, ये होती है एक स्पैम एक्टिविटी। आप फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में रील्स उठा रहे हो एंड बैक टू बैक ऐसे लाइक किए जा रहे हो, है ना, या फॉलोअर किए जा रहे हो या अपने किसी भी अकाउंट को ऐसे इस तरह से आप करते रहोगे। आप, मैं कह रहा हूँ आप 5 मिनट कर लो ऐसे, आपका अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वही सर्टेन एक्टिविटी वाला आ जाएगा। या फिर दूसरा, आपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में कोई भी अकाउंट को आप क्या किए जा रहे हो, यहाँ पे अकाउंट्स पे जा रहे हो, जैसे ये लिया, इस अकाउंट पे गए एंड आप यहाँ से ऐसे फॉलो करोगे एंड बैक टू बैक आप फॉलो 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 ऐसे करते ही जा रहे हो फॉलो अकाउंट्स को। ओके, तो क्या होगा, देखो एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो किसी भी अकाउंट को पहले खोलेगा, फिर उसे देखेगा, ओके, एंड तब उसे वो फॉलो करेगा। जो स्पैम होते हैं, जो स्पैमिंग की जाती है फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में, वो क्या करते हैं ऐसे 1 सेकंड से ज़्यादा ऐसे 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 फॉलो करता है। मतलब ये तो स्पैमिंग हो गई ना, कि एक इंसान, नॉर्मल इंसान तो ऐसे ऐसे नहीं कर सकता फॉलो। वो पहले अकाउंट देखता है, उसको कुछ टाइम लगता है फॉलो करने में अकाउंट्स को। लेकिन जो स्पैमिंग होती है, जो ऑटोमेशंस होते हैं, जो हम लोग बॉट्स चला देते हैं अपने फॉलोअर्स ये करने के लिए अपने अकाउंट पे फॉलो फॉर फॉलो करने के चक्कर में, उससे स्पैमिंग होती है। वो और कुछ नहीं करता, उसको एक ही एक्टिविटी दी जाती है, भाई फॉलो कर ले सबको। तो इस तरह से फॉलो करते चले जाते हैं एंड यहाँ पे सर्टेन एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ को इंस्टाग्राम कर देता है टर्न ऑफ, कि अब आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा। ओके, क्योंकि ऐसी स्पैमिंग में आ जाती है ये वाली एक्टिविटी। तो इंस्टाग्राम को लगता है कि भाई इस अकाउंट पे कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, कहीं ना कहीं से स्पैम हो रहा है, इसको ब्लॉक कर दो। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को इंस्टाग्राम कर देता है ब्लॉक, राइट। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पहला, आप लाइक फॉर लाइक करते चले जाते हो, आप कोई भी रील देखते हो धड़ाम से लाइक धड़ाम से लाइक धड़ाम से लाइक, वो भी स्पैमिंग कहलाती है। तो इनके चक्कर में इंस्टाग्राम हमारी इन एक्टिविटीज को कर देता है ब्लॉक, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। तो अब इसको फिक्स कैसे करना है वो बता देता हूँ। देखो मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको वो करके देख लेनी है, ओके, एंड उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आपको अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से अपने प्रोफाइल आइकन पे जाओ, राइट टॉप कॉर्नर 3 लाइन पे जाओ एंड यहाँ से अकाउंट सेंटर पे चले जाओ। जैसे ही आप अकाउंट सेंटर पे जाओगे, ओके, यहाँ से हम लोग अकाउंट सेंटर पे आ जाते हैं, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ चेक करनी है, ओके, ये यहाँ पे जाओगे ना पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे, इस पर टैप करके आपको एक चीज़ चेक करो, वेयर यू आर लॉग्ड इन। ओके, जब क्या होता है, जब हम कोई फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में या फिर लाइक या लाइक को लाइक करने के चक्कर में या रील्स पे व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को हम अपने इंस्टाग्राम का एक्सेस दे देते हैं, क्योंकि अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से हम लोग वहाँ पे लॉगिन करते हैं। एंड अगर आपने वहाँ पे लॉगिन किया हुआ है तो आपकी एक्टिविटीज टर्न ऑफ, मतलब आपकी जो ये चीज़ें हैं, जो ट्राई अगेन लेटर है, ये वाला पॉपअप आता ही रहेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम को पता है स्पैम हो रहा है इस वाले अकाउंट पे, तो उसको वो ऑफ करने के लिए इस तरह की वो प्लीज ट्राई अगेन लेटर वाला पॉपअप दे देता है। तो इसे कैसे हटाना है, तो सबसे पहले वेयर यू आर लॉग्ड इन चेक करना है। ओके, जैसे मैं एक डिवाइस यहाँ और एक और डिवाइस, मतलब 2 जगह मेरा अकाउंट लॉगिन है, वीवो IQ9 Pro, ओके, एंड अननोन डिवाइस यहाँ पे, तो ये दिस डिवाइस ही है, वैसे तो दोनों जगह सेम ही है। अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस दिख रहे हैं तो आपको सेलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट कर देना, के उस अकाउंट को कर देना है लॉग आउट, याद से कर देना, वरना आपको पता लग जाएगा यहाँ पे आपके मल्टीपल अकाउंट्स है तो आप कहाँ का लॉगिन हो, तो उन एक्टिविटीज़ को टर्न ऑफ कर देना है आपको। ओके, दूसरा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर यहाँ पे कोई अकाउंट लॉगिन था तो आप पासवर्ड अभी के अभी कर लो चेंज,
यस, इस पे जाओ, यहाँ पे टैप करो और अपना करंट पासवर्ड डाल के अपना न्यू पासवर्ड कर लो। इस पासवर्ड को चेंज करने से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो भी स्पैमिंग हो रही है, कहीं आपका अकाउंट और किसी भी तरह की स्पैमिंग में है या फिर कहीं और लॉगिन है, तो वो चेंज कर लेना पासवर्ड, मतलब उससे आपका अकाउंट सेफ हो जाएगा। नंबर दो, आपको एक चीज़ करनी है, वैसे इसी से भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। नंबर दो, अगर यहाँ से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो आपको एक काम करना है, आपको सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी चेकअप पर जाना है। ओके, यहाँ पे जाओ एंड ये वाले जो सिक्योरिटी चेकअप है, यहाँ से आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कर लेना है टर्न ऑन, कि आगे कभी भी फ्यूचर में ऐसी एक्टिविटी ना हो। अगर ऐसी एक्टिविटी फ्यूचर में होती है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, मतलब आपको पता रहे कि भाई मेरा अकाउंट कहीं और लॉग इन हुआ है तो स्पैमिंग होगी ही नहीं आपके अकाउंट पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पहले मोबाइल नंबर डालो अपना, उसको चेंज करो, उसको मतलब ऑथेंटिकेट करो। ईमेल अगर मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैं इसको ऑथेंटिकेट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, टैप नहीं कर पा रहा हूँ। एंड पासवर्ड चेंज कर लिया, ईमेल नंबर आपने वेरीफाई कर लिया, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया, उसी के बाद थ्रू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर टर्न ऑन करो। एंड इसको आपको ऑथेंटिकेशन को सबको टर्न ऑन करके एक एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उनको कर देना है ओके, मतलब OTP यहाँ पर डालने, जिससे ये पता लग जाएगा कि अगर आपके अकाउंट पर किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएंगे आपके मोबाइल नंबर पे, आपके व्हाट्सएप पे एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाली ऐप पे भी, राइट। तो ये आपको टर्न ऑन कर लेने, सबसे पहले ये वाला काम तो आपको करना ही करना है। ओके, अब मैं इसको फिनिश इट लेटर कर रहा हूँ, रिमाइंड मी लेटर कर रहा हूँ। एंड इसके बाद जो तीसरी चीज़ आपको करनी है, विच इज़ जब भी आपको उस तरह का कोई भी यहाँ पे जैसे प्लीज ट्राई अगेन लेटर का एक पॉपअप आ रहा है, तो आप एक काम करो, अपने फ़ोन को उठाओ और इस तरह से शेक कर दो। शेक करोगे यहाँ पे प्रॉब्लम का वो ऑप्शन मिल जाएगा, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, तो आपको इसको रिपोर्ट करना है। ओके, इस पर टैप करो एंड यहाँ से इंक्लूड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, यस आप करो इंक्लूड एंड कंटिन्यू एंड इस पर करो टैप। इस पर टैप करोगे आपको ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको इस तरह से हाईलाइट कर दो एंड यहाँ से कर दो ओके। जैसे आप ओके करोगे यहाँ पे आपको ब्रीफ लिखना है कि भाई मेरे अकाउंट में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है एंड दिस इज़ द इशू, आप प्लीज़ इसे रिजॉल्व करो एज सून एज पॉसिबल। तो आप यहाँ पे लिखोगे, जो मैं लिख रहा हूँ आपको सिंपल वही लिखना है, जो भी मैं लिखूंगा वो आपको मैं कैप्शन में भी दे दूंगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपको सिंपल लिखना है यहाँ से, हाई टीम इंस्टाग्राम, आई हैव दिस इशू दैट ट्राई अगेन लेटर, प्लीज़ हेल्प मी टू फिक्स दिस इशू एज सून एज पॉसिबल एंड थैंक्स। बस आपको ये करके यहाँ से कर देना है इस पॉपअप को सेंड। ओके, सेंड कर दोगे एंड उसके बाद जो है कुछ ही घंटों में आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। एंड तब भी नहीं होती है, डू वन थिंग, आपको बस एक काम करना है, आप सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम रखो याद, आपको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड याद होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ऐसी एक ऐसा एक्शन कर लेने जा रहे हैं, एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो हमारे अकाउंट को ही रिफ्रेश कर देगा, एकदम बिल्कुल नया बना देगा। ओके, तो वो आपको क्या करना है, देखो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे मिनिमाइज़, इसी पे ही हम लोग टैप करके रखेंगे यहाँ पे, या फिर आप एक काम करो, आप जाओ अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में, हल्का सा स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का। ओके, ढूंढो ऐप्स ऑप्शन कहाँ है, ये रहा ऐप्स का ऑप्शन। अब हम यहाँ पे जाएंगे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आ गए, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, विच इज़ ये रहा इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल परमिशन स्टोरेज एंड कैचेस। तो जो कैशे होता है ना, हमें इन्हें क्लियर करना है सबसे पहले। तो कैशे क्या होता है कि एक कोई भी तरह की एक्टिविटी हुई है हमारे अकाउंट में, वो कैशे बन के क्लियर हो जा यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमें उन्हें क्लियर करना है। तो कैशे क्लियर करने के लिए क्लियर कैशे पे हम टैप करेंगे। ओके, एंड उसी के साथ साथ हमें क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, ये रहा क्लियर स्टोरेज, करते आपका अकाउंट जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। तो आई होप आपको लॉग इन के जो क्रेडेंशियल्स है आपके, यानी कि आपका पासवर्ड, ईमेल आईडी, आपका यूजर नेम आपको याद होगा, आपको सिंपली उनसे कर लेना है लॉग इन। अभी मैं क्लियर स्टोरेज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ये प्रॉब्लम मेरी वैसे रिजॉल्व हो गई है। ओके, तो आप इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को, मतलब आपको ये चार तरीके अपनाने हैं, तब भी नहीं होता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 24 आवर्स का वेट करना हो ही जाएगा, मतलब हो ही जाएगा और कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। बस ये एक थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली ब्लॉक करते हैं हमारी कुछ एक्टिविटीज़ को इंस्टाग्राम, और कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, बस आपको इतना ध्यान में रखना है, प्रॉब्लम कोई है नहीं, 24 आवर्स वेट कर लो, रिपोर्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो, आपने अपने अकाउंट चेक कर लिए कि कहाँ लॉग इन है कहाँ नहीं है, आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लिया है, मतलब फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी नहीं। बाकी बस अवॉइड करो यार बार बार बहुत फ्रिक्वेंट लाइक करना या फिर फॉलो फॉर फॉलो करना, या फिर बहुत फ्रिक्वेंट किसी को, मतलब आप किसी के भी अकाउंट को जाके जल्दी जल्दी लाइक कर रहे हो, मतलब ऐसी एक्टिविटी करो जैसे एक ह्यूमन बीइंग करता है, या फिर किसी भी फालतू की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को या वेबसाइट को अपने मोबाइल फ़ोन का या
अपने अकाउंट का एक्सेस नहीं देना है जिससे वहाँ से स्पैमिंग हो, मतलब वो जल्दी जल्दी ऐसे लाइक कर दे या फिर फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में आप फॉलो कराए जा रहे हो तो इन बॉट्स को, मतलब होता है ना जब हम लोग फॉलोअर्स बढ़वा लेते हैं अपने इस वेबसाइट पे जाओ इतने फॉलोअर्स बढ़ा लो, वहाँ से मेन प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना ही है। ओके, आई होप अब आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई होगी। एंड थोड़ी देर वेट कर लो, वैसे तो ये 24-48 आवर्स में, मैक्सिमम 24 आवर्स में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि ना तो हमने स्पैम किया, इंस्टाग्राम को भी पता लग जाता है कि भाई ये कोई स्पैमर नहीं है, बस गलती से ये चीज़ हो गई थी या इसका अकाउंट कहीं ऑन लॉगिन था। 24 आवर्स के अंदर वैसे रिजॉल्व हो जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी उसी के साथ साथ वीडियो तो पसंद आई होगी, इफ आई है तो कमेंट बॉक्स में यस नो लिख के वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होता है और ज्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।